लाहौर पहले भी बिलावल साहब का था और अब भी इंशाल्लाह पाकिस्तान बिलावल साहब का है। अब इंशाल्लाह तीर शिकार करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस टाइम स्टेज पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह जीतेगा बिलावल भुट्टो वजीर आजम, इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल। भुट्टो दोबारा से एन 127 से जिंदा होगा या नहीं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदा होगा, इंशाल्लाह जिंदा होगा। आना चाहिए जनाब, आना चाहिए भुट्टो नु, आसिफ जरदारी आना चाहिए, गरीबा दे हामी ले। जो लोग बात करते थे कि साड़ी गल हो गई है, तो बिलावल ने आज आवाम इकट्ठी करके ये साबित कर दिया है कि बिलावल की बात जो है वो आवाम के साथ हो गई है। सर मैं तो खुशी से आज पागल हो गया। बिलावल भुट्टो सिर्फ लाहौर की नहीं पूरे पाकिस्तान की उम्मीद है। तारण क्या समझते हैं, वो टफ टाइम दे पाएंगे कि वो बस खुश हो जाएंगे? इस काबिल ही नहीं है बेचारे। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, तब्दीली नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट साना नवीद और इस टाइम हम मौजूद हैं NA 127 में, जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जलसा मुनक्कित किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, और एतजाज हसन साहब इस टाइम स्पीच कर रहे हैं। और मैं कैमरा मैन को दिखाना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े जलसे का इनेकाद किया गया है जिसमें हज़ारों की तादाद में जो झियाले हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ पर झियालों से पूछते हैं कि काफ़ी अरसे के बाद लाहौर में एक बड़ा जलसा मुनक्कित किया गया है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं आज के दिन के हवाले से? हमारे साथ रहिए। ये बताएं भुट्टो दोबारा से NA 127 से जिंदा होगा या नहीं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदा होगा, इंशाल्लाह जिंदा होगा। आना चाहिए जनाब, आना चाहिए भुट्टो नु, आसिफ जरदारी आना चाहिए, गरीबा दे हामी ले। आसिफ जरदारी नहीं ओदा बेटा खलोता, बेटा ही हुंदा बिलावल भुट्टो, अल्लाह दे हुक्म नाल आवेगा इंशाल्लाह। मैनू ये दसो के NA 127 दे विच किन्नी तादाद तो पीपल्स पार्टी जीत जाएगी? काफी पार्टी तो जीतेगी अल्लाह दे हुक्म नाल, वाधू जीतेगी अल्लाह दे हुक्म नाल इंशाल्लाह। सर आप बताएं। इंशाल्लाह जीतेगा बिलावल भुट्टो वजीर आजम, इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल। मैम क्या कहना चाहेंगी, एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्कित किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्या महसूस कर रही है? आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, तब्दीली नजर आ रही है। बिल्कुल नजर आ रही है, ये जितना आवाम का जमेगा फिर है। जो लोग बात करते थे कि साड़ी गल हो गई है, तो बिलावल ने आज आवाम इकट्ठी करके ये साबित कर दिया है कि बिलावल की बात जो है वो आवाम के साथ हो गई है। क्या समझती है पीपल्स पार्टी लाहौर से कामयाब हो पाएगी? इंशाल्लाह ताला जरूर कामयाब होगी, क्योंकि आप क्राउड देख ही रहे हैं, जाहिर है बिलावल के साथ मोहब्बत प्यार है लोगों का, तो यहाँ तक आए हैं इतनी सर्दी में। NA 127 में बिलावल साहब के मुकाबले में जो कैंडिडेट है अता तारण, क्या समझते हैं वो टफ टाइम दे पाएंगे कि वो बस खुश हो जाएंगे? इस काबिल ही नहीं है बेचारे, ये दूसरे शहर से आके शहर में हमारे से आके मुकाबला करेंगे, ऐसे कैंडिडेट की जरूरत नहीं है। इस गली का, इस मोहल्ले का कैंडिडेट हमारे पास है, मलिक मंजर अब्बास, फियाज भट्टी साहब हमारे इसी कैंडिडेट, हमारी गली मोहल्ले के हैं, हमारे अच्छे कैंडिडेट हैं जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ रहते हैं। ये तो गुजरांवाला गुजरात से उठ के आ गया है, वहाँ पे इसको जूतियाँ पड़ियाँ, अभी यहाँ पे आके इसका इरादा यहाँ पे खाएगा, तो इसलिए ये इस काबिल नहीं है कि ये हमारा मुकाबला कर सकेगा। एक बहुत बड़ी तादाद इस टाइम झियालों की वो पंडाल में मौजूद है, और आप देख सकते हैं हज़ारों का मजमा यहाँ पर मौजूद है। बिलावल भुट्टो साहब की लाइव स्पीच जो है वो सुन रहे हैं और उनकी मोहब्बतों का जवाब दे रहे हैं, पार्टी परचमों को लहरा कर और अपने हाथों को बुलंद करके उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करके उनको खुशामदीद कह रहे हैं। सर आप बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है कि आपकी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद बीबी की जो आखिरी निशानियों में से हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो इस टाइम स्टेज पर मौजूद है, आपसे खिताब कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो खुशी से आज पागल हो गया, ठीक है। मैं हम जब से मैंने आँख खोली है, मैंने पीपल्स पार्टी को अपने घर में देखा है कि इनकी सपोर्ट करते हुए, एक वह जमात है जिसने हमेशा मुश्किल वक्त में निकाला लोगों को, ठीक है। बिलावल साहब लाहौर में आए हैं, लाहौर पहले भी बिलावल साहब का था और अब भी इंशाल्लाह लाहौर पाकिस्तान बिलावल साहब का है। बिलावल भुट्टो वजीर आजम, इंशाल्लाह वजीर आजम, इंशाल्लाह बिलावल। ये कौन नारे लगा रहा था? ये आपको किसने कहा है? इमरान खान वजीर, ये अभी यहाँ पर नारे लग रहे थे। तो सियासत बिलावल और उसके दरमियान है, शेर के लोग नहीं देख रहे, अब तीर शेर का, अब इंशाल्लाह तीर शिकार करेगा। क्या समझते हैं? कुछ नहीं होता, तीर लगेगा। क्या समझते हैं कि कैसे शिकार करेगा तीर शेर का? जैसे हमेशा करता है, देख रहे हैं अभी पहला जलसा इन्होंने इधर किया है और क्या ही खूबसूरत अंदाज में ये लोग इधर मौजूद हैं। इंशाल्लाह बिलावल लाहौर में NA 127 की सीट निकालेगा। सर क्या कहना चाहेंगे, जो बिलावल साहब ने कहा या पीपल्स पार्टी ने जो सोचा था, क्या वो कर दिखाया आज जलसे में? जी जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो सिर्फ लाहौर की नहीं पूरे पाकिस्तान की उम्मीद है, और आप देखें पूरे पाकिस्तान में अगर कोई सियासी जमात कंपेन कर रही है इस वक्त
तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो सुबह सरहद में, बलूचिस्तान में, पंजाब में और सिंध में इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी ने मंशूर दिया है वो इस इलेक्शन का बेहतरीन मंशूर है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में फतह हासिल करेगी और बिलावल भुट्टो हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे और ये पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है और पाकिस्तान को मुश्किल से निकालेंगे इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो कहा गया था जलसे का, क्या वो कामयाब हुआ है? जी बिस्मिल्लाह, भरपूर अंदाज से कामयाब हुआ। अब आप देखें इतनी सर्दी, इतनी धुंध और ये माहौल देखे आप, ये सारा आपका कैमरा दिखा रहा है जितना माहौल है इस ठंड में, अगर इतनी आवाम इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में आ सकती है बिलावल भुट्टो में, तो इंशाल्लाह ये हमारी सीट भी क्लियर है। सर मुझे ये बताएं, 127 से पीपल्स पार्टी कितनी तादाद में कामयाब हो पाएगी? सर इंशाल्लाह ये देखें आप लोगों के सामने कि बहुत देर के बाद, मोहतरमा के बाद जो है ये अभी जो है बिलावल साहब ने यहाँ पे आए हैं और लाहौर से ही आपको पता है कि सारी जो चीज़ें हैं वो निकलती हैं। जो लोग कहते थे जी पीपल्स पार्टी कहाँ पे है, पंजाब में कहाँ पे है, हालांकि ये जितने भी यहाँ पे लाहौर में आप देखें कि ये सारा ये पीपल्स पार्टी का घर था, ये वाला कसूर हो गया, लाहौर हो गया, लेकिन एक अरसा हुआ कि इस पे कब्जा हो चुका था। सर बिल्कुल, आपको पता है ये जो ज़ियाउल्लाह की सियासत है और जो उनके पैरोकार हैं ये तो और नासिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस टाइम स्टेज पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत ज्यादा वलवला खेज और जोशीले अंदाज के अंदर वो अपने ज़ियालों की हर ताली का और हर नारे का और हर गूंज का जवाब दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब इस टाइम स्टेज पे मौजूद हैं और ये देख सकते हैं बिलावल भुट्टो सरदारी साहब इस वक्त क्लैपिंग कर रहे हैं और अपने जो जोशीले और मोहब्बत करने वाले जो जियाले हैं उनकी मोहब्बतों का जवाब दे रहे हैं हाथ हिला के। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब स्टेज पर है और ये आप देख सकते हैं हाथों को बुलंद करके, दोनों हाथों को उठा के वो अपने जियालों का जवाब दे रहे हैं जबकि उन पे फूलों की बारिश की जा रही है, फूल फेंके जा रहे हैं उन पे। क्या कहना चाहेंगे चेयरमैन साहब स्टेज पे खिताब कर रहे हैं और क्या पीपल्स पार्टी ने जो सोचा था वो आज कर दिखाया? सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान से इस वेले सिर्फ एक ही जमात है, अगर बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचो, बिल्कुल न्यूट्रल लोग सोचो, जिहड़ी वफाक दी अलामत है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद तो लैके ते राणी शहीद तक, ये बड़ी वड्डी साजिश हुंदी है कि इंटरनेशनल लीडरां नूं खत्म किया जाए। सर ये बताएं कि इस टाइम 127 में पीपल्स पार्टी तकरीबन अपने फतह का झंडा तो गाड़ चुकी है जो नजर आ रहा है, कितनी तादाद में लोगों की आप लोगों ने सोचा था और कितनी तादाद आई है? जी सच्ची बात यह है कि हमें अंदाज़ा तो था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जिस मुकाम पर है और लोग जो सोच रहे हैं उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आने चाहिए, लेकिन ये जो लोग आए हैं और आ रहे हैं अभी, आप यकीन कीजिए कि इतनी तादाद वाकई हमने नहीं सोची थी। दिस इज़ ऑलमोस्ट अ क्लीन स्वीप। नाज़रीन आपने लोगों की राय जान ली है और बहुत पुरजोश हैं जियाले यहाँ पर और एक भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और कहते हैं कि तीर जो है शेर का शिकार करेगा और अच्छी तरह से करेगा। अपने मेज़बान आना नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।